ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बेबी बॉय होने के बहुत ही सटीक और ठोस लक्षण आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, ये किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस है, उन्होंने अभी अभी बेबी बॉय को जन्म दिया है और ये उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। तो दोस्तों, आप इन लक्षणों से काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपने लड़के को कंसीव किया है या लड़की को। दोस्तों, हम अपने चैनल पर देखिए बहुत ही ठोस और सटीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं और जिन भी गर्भवती महिलाओं ने देखिए लड़के को जन्म दिया है उनके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इन लक्षणों से आप काफ़ी हद तक अनुमान जरूर लगा सकते हैं, लेकिन 100% श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो हार्मोन्स भी अलग होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स आपसे मैच कर जाएं। तो दोस्तों, अगर कुछ लक्षण आपसे मैच करते हैं तब आप एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं, लेकिन 100% श्योर नहीं हो सकते। कई बारी आप में हो सकता है ये लक्षण अपोजिट भी निकल सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले लक्षण की बात करें दोस्तों, वो है मॉर्निंग सिकनेस। देखिए, उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उनको काफ़ी ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी में वोमिटिंग हुई और 2-2.5 महीने तक उनको काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग होती रही। खाने पीने की चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी और ख़ासकर उन्होंने बताया कि जब भी मतलब जब मक्खन पिघलाते हैं यानी घी बनाते हैं तो उनकी स्मेल उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी, उसकी स्मेल से ही उनको वोमिटिंग हो जाती थी। दूसरे लक्षण की बात करें तो दोस्तों, उन्होंने पूरी प्रेगनेंसी में देखिए तीखा चटपटा मसालेदार खाना पसंद करा है। उनका कहना है कि उन्हें मीठा बिल्कुल भी भाता नहीं था, उनको ज़्यादा तीखा खट्टा इस तरह की चीज़ें खाने में बहुत ज़्यादा पसंद थी और उनको अपनी प्रेगनेंसी में कड़ी चावल बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है, यानी जो कड़ी बनती है दही में बेसन घोलकर, उनको कड़ी की जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आती थी और खाने में भी उनको बहुत अच्छा लगता था। तीसरे लक्षण की बात करें तो दोस्तों, वो है उनके पेट का आकार। दोस्तों, उनको थर्ड मंथ प्रेगनेंसी में ही बहुत ज़्यादा मतलब पेट बाहर की तरफ दिखाई देने लग गया था और वो थोड़ी सी हेल्दी भी हैं और उनका कहना है कि उनका जो पेट है थर्ड मंथ से ही काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने लग गया था और फिफ्थ मंथ में आते आते मतलब फिफ्थ और सिक्स मंथ में उनको देख कर ऐसा लोग बोलते थे कि आपका कई मतलब 8वां महीना चल रहा है, कोई कहता था 7वां महीना चल रहा है, इस तरह से सवाल करते थे। तो दोस्तों, उनका जो पेट है काफ़ी ज़्यादा मतलब बाहर की तरफ दिखाई देता था और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वेट भी गेन किया था, लेकिन उनका कहना है कि उनका जो वेट है सिर्फ टमी एरिया में ही बड़ा था, पेट भी मतलब सिर्फ बाहर की तरफ दिखाई देता था, बॉडी के दूसरे हिस्से में जैसे जांघों में हाथों में वहाँ पर इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं किया था, उनका सिर्फ टमी एरिए में ही वेट गेन हुआ था। तो इस लक्षण को देखिए काफ़ी हद तक लड़का होने का माना जाता है और ये मेरी प्रेगनेंसी में भी 100% सही बैठा था कि मेरा भी थर्ड मंथ से काफ़ी ज़्यादा पेट बाहर की तरफ दिखाई देता था। तो इस लक्षण को आप काफ़ी हद तक लड़का होने का मान सकते हैं। दोस्तों, एक खास लक्षण उन्होंने जो हमारे साथ शेयर किया है और काफ़ी सारी गर्भवती महिलाओं ने भी इस लक्षण को सही माना है। दोस्तों, अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी में अपनी जो नाक है अगर आपको थोड़ी सी मोटी या नाक थोड़ी सी चौड़ी दिखाई देती है, यानी आपकी जो नाक है अगर आपको उसमें चेंजमेंट दिखाई दे रहा है, यानी आपके जो नाक के नथुने हैं थोड़े से आपको फुले हुए या आपकी नाक थोड़ी चौड़ी या मोटी दिखाई दे रही है, यानी अगर आपकी नाक में कोई भी बदलाव आया है तो इस लक्षण को देखें लड़का होने का मान सकते हैं। और उनका कहना है कि इस लक्षण को मतलब मैं 100% लड़का होने का मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस लक्षण को दूसरी मतलब गर्भवती महिला में भी देखा था और उनको भी बेबी बॉय ही हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे तो आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। अगला लक्षण की बात करें तो दोस्तों, अगर आपके एक हाथ में या एक पैर में मतलब अगर दर्द रहता है तो इस लक्षण को भी देखिए लड़के से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, उनको अपनी प्रेगनेंसी में उनका जो हाथ है मतलब राइट वाले हैंड में बाजू से ऊपर से लेकर कोहनी तक यानी कलाई तक काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता था, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी में मतलब रसोई का या कोई भी काम है वो करने में मतलब मुश्किल होती थी। उनको अपने हाथ में पूरी प्रेगनेंसी में मतलब हाथ में ही दर्द रहा है। तो दोस्तों, इस लक्षण को भी आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं,
कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है। दोस्तों मोस्टली वीडियोज़ में भी देखा होगा और बहुत सी गर्भवती महिलाओं का भी कहना है कि अगर आपके एक ही पैर में या एक ही हाथ में या आपको पैरों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है या पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो इस साइन को देखिए लड़के से जोड़कर देखा जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों उनके पेट का आकार। दोस्तों उनके शुरुआती प्रेगनेंसी में मतलब चौथे पाँचवें महीने तक उनका पेट का आकार बिल्कुल गोल था, मतलब उनका पेट बिल्कुल गोल राउंड शेप में दिखाई देता था, लेकिन जैसे जैसे उनकी प्रेगनेंसी बढ़ती गई सातवें आठवें महीने से उनके जो पेट का आकार है वो देखिए थोड़ा सा लंबा हो गया था। और उनका कहना है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में उनके पेट का आकार थोड़ा लंबा हो गया था, उसका झुकाव भी नीचे की तरफ था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि देखिए लास्ट ट्राइमेस्टर में बच्चा हेड डाउन पोजिशन करता है, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो बच्चा जब पोजीशन चेंज करता है तो आपका जो पेट का आकार है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आपका पेट पहले गोल था तो बाद में मतलब थोड़ा लंबे शेप में यानी अंडाकार शेप में दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों पेट का गोल होना या अंडाकार होना लड़का या लड़की के जेंडर से कोई भी लेना देना नहीं है, वो बच्चे की पोजीशन और बच्चे की हाइट पर डिपेंड करता है कि आपका पेट का जो आकार है वो किस तरह से आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण उन्होंने हमारे साथ शेयर करे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। और अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।